खतरे की बात तो नहीं है डॉक्टर साहब? मिस्टर रोहन, पेशेंट की रिपोर्ट्स में कोई खास इम्प्रूवमेंट सामने नहीं आई है, लेकिन जितना जल्दी हो सके आपको पेशेंट के डायलिसिस शुरू करवाने होंगे। डॉक्टर साहब, मामा डायलिसिस की तकलीफ नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे, वो डायलिसिस पर नहीं जाना चाहती। कोई और रास्ता भी तो हो सकता है, रुपए पैसे की फिक्र मत करें, बस मामा को इस तकलीफ से बचा लें। माम, क्या हो गया तुम? इज एवरीथिंग ऑल राइट? बाहर सारे मांगने की तैयारियां कर रहे हो और तुम यहाँ मुंह लटकाए बैठी हो। तुम जीनत आंटी की वजह से तो नहीं परेशान? माँ की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। वैसे तो मैं उन्हें तसल्लियां देती रहती हूँ, लेकिन मैं अंदर से बहुत परेशान हो गई हूँ। माँ, तुम्हारे परेशान होने से वो ठीक तो नहीं हो जाएंगी ना? या हो जाएंगी? रोहान उनकी अभी सही से ट्रीटमेंट कराएगा, उनका ख्याल रखेगा, तुम बेफिक्र हो जाओ। और वैसे भी उन्होंने अभी हमारे बच्चों की नानी बनना है, उनके साथ खेलना कूदना है ना? कभी कभी सोचती हूँ कि अगर तुम मेरी जिंदगी में ना आते तो मेरा क्या होता। तुम जिस तरह मेरा ख्याल रखते हो, हर खुशी गम में मेरे साथ खड़े रहते हो, ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तुम्हें पता है, मैं भी बिल्कुल ऐसे ही सोचता हूँ तुम्हारे बारे में। थैंक यू फॉर बीइंग देयर एंड डोंट वरी, चीयर अप, एवरीथिंग विल बी फाइन, आई प्रॉमिस यू दैट। तो फिर इसका आखिरी इलाज यही है कि किडनी ट्रांसप्लांट करवा लें। हेलो जी सर, सब इंस्पेक्टर इरशाद बात कर रहा हूँ, कैसे हैं आप? सर इरशाद, लगता है आप भूल गए मुझे। आप सॉरी सॉरी इरशाद साहब जी, बताइए कैसे कॉल किया आपने? सर वो एक्सीडेंट वाले केस के बारे में कुछ है। इरशाद साहब, मैंने आपसे कहा था कि मुझे अब उस केस में कोई इंटरेस्ट नहीं, बंद कर दीजिए उस केस को। सर मेरा तो इंटरेस्ट है ना, मेरा मतलब है सर वो गाड़ी जिससे आपका और आपकी वाइफ का एक्सीडेंट हुआ था, वो गाड़ी और वो बंदा दोनों मिल चुके हैं जनाब। What? आई जनाब, तशरीफ रखिए। आप सच कह रहे थे इरशाद साहब? 100% जनाब, तभी तो आपको यहाँ पे आने की जहमत दी है मैंने। आप यकीन नहीं करेंगे कि सारी तफ्तीश खुद मुकम्मल करके पक्के सबूतों के साथ उसकी गर्दन तक पहुंचाऊं मैं। कौन कौन है वो इरशाद साहब, कौन है वो? ऐसे नहीं सर, एक वादा करना पड़ेगा आपको मुझसे। कैसा वादा? सर आपके आईजी साहब से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, तो मेरी प्रमोशन 3 साल से अटकी हुई है सर। आप अगर उनसे मेरी प्रमोशन की बात कर ले तो इसका मतलब है कि आपने ये केस अपनी प्रमोशन के लिए रीओपन किया? ना 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 सर, तौबा मेरी सर, अगर मैंने अपने फायदे के लिए किया हो तो लाना तो मुझ पर। सर मैं तो आपस आपके बात कर लूंगा मैं आजी साहब से। बहुत बहुत शुक्रिया सर, सर यही सुनना था सर मैंने। सुनिए भाई, चाय लाओ ना यार। इरशाद साहब, ये खातिर मतारत रहने दीजिए, मुझे ये बताइए कि मुजरिम कौन है। हाजिर जनाब हाजिर, तमाम मालूमात इकट्ठी कर ली है मैंने, बल्कि आपको बताऊं कि मुजरिम एक भी नहीं दो हैं। ये लीजिए। ये तो रूमी और कामिल इरशाद साहब। जी सर, आपकी वाइफ और बच्ची की मौत के जिम्मेदार यही दो हैं। नहीं हो सकता इरशाद साहब, ये दोनों कातिल नहीं हो सकते। मैं जानता था रोहन साहब आप यही कहेंगे, क्योंकि ये दोनों आपके करीबी दोस्त हैं। मैं नहीं मानता इरशाद साहब, आप दोबारा तफ्तीश करें, बल्कि ये केस ही बंद कर दें। सर आप बैठे तो सही, रिलैक्स हो जाए, सुकून का सांस नहीं, पानी पीजिए। प्लीज बैठे बैठे बैठे, प्लीज बैठे। देखिए सर, तमाम तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है और आपको ये घड़ी याद है? ये घड़ी रोमैसा ने कामिल को तोहफतन दी थी,
जो बुढ़ा सेल्समैन है ना, उसने रोमेशा की तस्वीर देख के पहचान लिया। घड़ी क्या कर रही है तुम्हारे पास? तुम जानती हो रूमी ये घड़ी किसकी है? हाँ, किसकी वॉच है रूमी? हाँ अभी किसकी घड़ी है तो तुम्हें पता होना चाहिए, लेकिन ऐसी वॉच मैंने कामिल को भी गिफ्ट की। लेकिन तुम क्यों ऐसे पूछोगे किसकी वॉच है? एक्सीडेंट के बाद कामिल ने जिस मैकेनिक से गाड़ी बनवाई थी ना, ये रहा उसका बयान। तमाम सबूत इन दोनों के खिलाफ है जनाब। और तो और, आपको उस गाड़ी का अधूरा नंबर याद है ना? ठीक यही नंबर कामिल की गाड़ी का, ये देखिए। अब सर इतने सारे इत्तफाकात एक साथ तो नहीं हो सकते, ना ही मेरी कोई इनसे जाती दुश्मनी है, इसी वजह से इनको गिरफ्तार करने से पहले मैं ये तमाम सबूत आप तक पहुंचा रहा हूं। मुझे इन सबूतों से ज्यादा अपने दोस्तों पर यकीन है इरशाद साहब। अगर रूमी वहां पर मौजूद होती तो मुझे और सभा को जख्मी हालत में छोड़कर जा ही नहीं सकती थी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई रोड पर मर रहा हो और रूमी उसे छोड़कर चले जाए। नहीं नहीं इरशाद साहब, यही तो कंफ्यूजन सर। रोमेशा मैडम को मैं भी बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। किसी का बच्चा पार्क से उठा के अपने घर में इस तरह से पालना मामूली बात नहीं है सर। लेकिन अब सच्चाई क्या है सर, ये तो उनसे बात करके ही पता चलेगा। सच पूछें तो उस बंदे कामिल पे मुझे पूरा शक है। तो उसकी आंखें चुगली खाती हैं, वो अपना झूठ छुपाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते। अब मैं इसके ज़िप कैसे बंद करूं? ये हो गई बंद। कितनी प्यारी लग रही है हमारी अनिया। अरे ये क्या क्या हुआ, तुम हंस क्यों रही? आपने इसे उल्टे कपड़े पहना दिए हैं। हाँ गलती हो गई, मैंने कहा भी था मैं आके तैयार कर देती हूँ, ऐसे भी क्या जल्दी थी। हाँ क्या मतलब है, इसे सिर्फ तुम तैयार कर सकते हो, मेरा कोई हक नहीं इस पर। आनिया मामा को बताओ कि पापा भी तैयार कर सकते हैं आपको। लाए मैं सीधा पहना देती हूँ। सर मैंने तो अपना काम कर लिया, अब आप बताएं क्या करना है। अगर कामिल को गिरफ्तार करना है तो आप हुक्म करें, मैं अभी अपनी नफरी ले जाके उसको घर से उठवा लेता हूं। नहीं नहीं चाचा, वो रूमी का शौहर है और रूमी की फैमिली मेरी फैमिली है। आप अभी कोई कार्रवाई मत करें, मैं खुद उन दोनों से बात करता हूं। सर मेरी बात माने, आप अकेले मत जाएं। पहले तो वो अपनी बात से मुकर भी सकता है और फिर अपने बचाव के लिए वार भी कर सकता है। सर मैं सारे सबूत ये उसके सामने रखूंगा ना, तो ना उसको बचाव का मौका मिलेगा ना मरने मारने का। बाकी आपकी मर्जी। जो पे कलर वाकई बहुत अच्छा लगेगा। रूमी हानिया का हानिया जोया के पास से कम है। अच्छा तो जोया के कपड़े बनवाए हैं। भाई वहां रोहान आया पुलिस के साथ। पुलिस या अल्लाह है। रोहान ये सब क्या है? मैं भी बाहर इनसे यही पूछ रहा था लेकिन ये कुछ कह ही नहीं रहे। रोहान खामोश क्यों खड़े हो? आखिर तमाशा क्या, पुलिस क्यों लेकर आए हो तुम? पुलिस वहीं जाती है जहां मुजरिम छुपा। ये क्या कह रहे हो तुम? कौन मुजरिम, कैसा मुजरिम? ये शरीफों का घर है, यहां कोई मुजरिम नहीं छुपा हुआ। प्रशांत साहब बात असल में यह है कि आज से कुछ अर्सा पहले रोहान साहब और उनकी बीवी का एयरपोर्ट जाते हुए एक्सीडेंट हुआ था। उसके बाद उनकी बीवी सबा जो कि प्रेग्नेंट थी,
जान बन ना हो सकी और अस्पताल में ही दम तोड़ गई। मगर इस सब से इस घर का क्या ताल्लुक है? क्योंकि जिस गाड़ी से रोहान साहब की कार का एक्सीडेंट हुआ था वो गाड़ी कामिल अहमद की है। ये वही गाड़ी है जिसकी मरम्मत एक्सीडेंट के फौरन बाद करवा ली गई थी, जिस वक्त आपके घर के बाहर खड़ी हुई है और जिसका नंबर AB0728 है। नहीं, आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? क्योंकि बेहोश होने से पहले मैंने गाड़ी का नंबर देख लिया था, तक याद नहीं आ रहा था, लेकिन अब सब क्लियर है, सबूत भी और मुजरिम भी। ऐसा कुछ भी नहीं है, कामिल भाई ने कोई एक्सीडेंट नहीं किया, एक्सीडेंट उनके कोलीग से हुआ। अगर आपको किसी को पकड़ना है तो जाके उनके कोलीग को पकड़ो। हाँ भाई ठीक कह रहे, इस बात की गवाह मैं भी हूँ। हाँ सच है, कोई एक्सीडेंट नहीं किया मैंने। तो चाहे वो उसे जो खड़ी मिली थी वो किसकी थी कामिल? ये वो घड़ी। ये ले। अरे वो घड़ी कहाँ जो मैंने आपको गिफ्ट की थी? इतने दिन हो गए मैंने आपके हाथ में देखी नहीं। हाँ वो संभाल के रखी है ना। तुम्हारा दिया हुआ बेशकीमत तोहफा इस तरह हर वक्त पहन के बेबुक्कत तो निकलना चाहते हैं। अब आप ये मत कहिएगा कि घड़ी भी आपकी दोस्त की है। ये झूठ मत बोलना। झूठ बोला तो तुम्हारी जबान खींच लूंगा। सच जानने आया हूँ कामिल, सिर्फ सच। कामिल ये सब क्या है? आपने तो मुझसे कहा था कि आपने वो घड़ी संभाल कर रखी है। फिर खुदा का वास्ता है, सच सच बताएं, क्या ये एक्सीडेंट आपके हाथों से हुआ है? खामोश क्यों है, कुछ बोलते क्यों नहीं? देखिए आज आपको सच बोलना पड़ेगा। सच बोलने के सिवा आपके पास कोई और रास्ता नहीं है। अरे क्यों मेरे बेटे को डरा धमका रहे हो तुम लोग? ये कह रहा नहीं बेगुनाह तो ये बेगुनाह है, समझते क्यों नहीं हो? नहीं अम्मी, अब जब सब सामने आ ही गए तो मैं कुछ छुपाना नहीं चाहता। हाँ मैं तुम्हारा मुजरिम हो रहा हूं। एक्सीडेंट मेरे हाथों हुआ था, मैं तुम्हें पिक करने आ रहा था डॉक्टर के पास ले जाने के लिए। अच्छा क्या पता था गाड़ी में रोहान और सबा होंगे, बस फोन कॉल की वजह से वो मेरा ध्यान हट गया। मैं मानता हूँ बहुत बड़ी गलती हुई है मुझसे, लेकिन रोहान मैंने कुछ जान के नहीं किया। ये सिर्फ एक इंसानी गलती थी, और ये गलती किसी से भी हो सकती है रोहान। इंसानी गलती? तुम उसे इंसानी गलती कहते हो कामिल? किसी को सड़क पर रोते तड़पते छोड़कर भाग जाना वो इंसानी गलती है? तिहाई नीच और गिरी हुई हरकत है कामिल। सबा प्रेग्नेंट थी और वो उस हालत में खून में लथपथ रोती रही, तड़पती रही, सिसकती रही, लेकिन तुम उस दिल आदमी वहां से अपनी जान बचाकर भागे। अरे मुझे ना बचाते तुम यार, मेरी बीवी को तो बचा लेते, उसकी जिंदगी तो बचा सकते थे ना। तो बच्ची ऐसे नहीं मरती कामिल। अरे तुम तो इस कदर बेरहम आदमी हो कामिल कि मैं तुम्हारे सामने खड़ा रहा लेकिन तुमने कुछ नहीं कहा, तुमने सिर्फ अपने आप को बचाया। तुम झूठ बोलते रहे, सब कुछ छुपाते रहे मुझसे। तुम चाहते तो सब कुछ बता सकते थे मुझे कामिल, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया तुमने कामिल ऐसा? पागलों की तरह मुजरिम को ढूंढ रहा था लेकिन तुमने कुछ नहीं बताया। क्यों किया तुमने कामिल ऐसा? मेरी सभा ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? मेरी बच्ची जो इस दुनिया में आई नहीं थी उसने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा कामिल? क्यों किया तुमने ऐसा? बताओ क्यों किया ऐसा तुमने? अरे कोई क्या बिगाड़ा उसने तुम्हारा? प्लीज सर, प्लीज संभाल खुद को।
मेरी जिंदगी सड़क पर पड़ी रोती रही, चिसकती रही, लेकिन तुमने उसे नहीं बचाया। तुमने मारा मेरी सभा को। मैं तुम्हारी हर बात से मुत्तफिक हूँ, लेकिन एक्सीडेंट वो गलती थी, सभा को मैंने नहीं मारा। बकवास करते हो तुम। सड़क पर कोई मर रहा हो और उसे छोड़कर भाग जाने वाला मुजरिम नहीं होता तो और क्या होता है कामिल? रुहान प्लीज संभालो खुद को। तुम क्या तुम भी मुझे आपने क्या किया काम? ये क्या किया आपने? इतनी बड़ी बात छुपाई, मुस्तली दिखाई, किसी की मौत की वजह बनकर ऐसे ऐसे अपनी जिंदगी में मगन हो गए जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और ये भी सोच लिया कि कुदरत आपकी कभी पकड़ नहीं करेगी। क्यों कामिल, क्यों? ऐसा कैसे सोच लिया आपने? हाँ भाई, हम सबसे भी झूठ का आपने ऐसी गिरी हुई हरकत की उम्मीद नहीं थी आपसे। हाँ भाई, हम सबको तो फखर था आप पे, तो फिर ये सब तो क्या क्या करता मैं? एक्सीडेंट के वक्त मुझे कुछ कुछ समझ नहीं आया। मैं जो सूझा वही किया है मैंने। क्या मैं बस, और हम सब यही करते हैं ना, सड़क पे अगर कुछ बुरा होता है यहाँ तो तमाशा बन के देखते रहते हैं, यहाँ भाग जाते हैं। मैंने भी यही किया। मैं मानता हूं बहुत बड़ा जुर्म हुआ है मुझसे। इतने के बाद सभा मुझे हर तरफ हर जगह दिखाई देती थी, मुझसे सवाल करती थी, लेकिन ना तो उसको देने के लिए मेरे पास कोई जवाब। आप सबको मुझे एहसास है बहुत बड़ी गलती हो गई है मुझसे, लेकिन मैंने कुछ जान के नहीं किया। रुहान मुझे माफ कर दो प्लीज। क्या तुम्हारी माफी से मेरी सभा वापस आ जाएगी? नहीं कामिल। क्या मेरी बच्ची वापस आ जाएगी? नहीं आएगी, नहीं आएंगे कामिल वो वापस। मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। नहीं। क्या हुक्म है सर? हथकड़ियां आपके इशारे की मुंतजर है। माफ कर दो मेरे बेटे को, माफ कर दो। गलती सबसे होती है, इंसान खता का पुतला है। तुम्हारी बीवी और बच्ची वापस नहीं आएंगे, मगर मेरे कामिल की जिंदगी खराब हो जाएगी। माफ कर दो, मैं पैरों पड़ती हूँ, मुझे मेरे बेटे को माफ कर दो। नहीं आंटी, आपके बेटे को मैं उम्र भर माफ नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन आज एक चीज है इसके और मेरे दरमियान, वो है रूमी की दोस्ती। शुक्र करो कि रूमी तुम्हारी बीवी है, वरना मैं तुम्हें यहां से घसीटता हुआ लेकर जाता, तुम्हारी सारी जिंदगी जेल में गुजरती। शुक्र करो कि तुम इसके शौहर, जिसने रास्ते से एक बच्ची को उठाकर अपने सीने से लगाया। सिर्फ उस नेकी ने आज मेरे हाथ जकड़ दिए कामिल, सिर्फ उस नेकी ने। कामिल, मेरे लाल।
अरे खुदा की पना, ये दिन भी देखना था। जब भी घर में कोई खुशी आती तो मनुष्यत पीछे पीछे जरूर आ जाती है, और इस बार तो कयामत आ गई, कयामत। तुमने तो कहा था तुमने कोई सबूत नहीं छोड़ा, कोई तुम्हें पकड़ नहीं सकता, तो ये सबूत लेकर कैसे आ गए? कुदरत के अपने तरीके हैं, इंसान तो जुर्म करके भूल जाता है लेकिन कुदरत कभी नहीं भूलती। जब कुदरत इंतकाम लेने पे आ जाए ना अम्मी, तो इंसान की तमाम चलाकियां उसकी अकल धरी की धरी रह जाती है। अरे तो किसने कहा था उसकी गाड़ी के सामने आने को? देखभाल कर गाड़ी नहीं चला सकते थे? जरा सी एहतियात कर लेते ना तो आज यू कत्ल का इल्जाम न लगता। अब क्या करोगे? रूहान तो जुनून ही हो रहा था, वो जरूर तुम्हें जेल में डलवा देगा। अब इस उम्र में तुम्हें जेल में सड़ता देखूंगी। अल्लाह की सजा में फंस गए, ये दिन देखने से पहले मुझे मौत क्यों नहीं आ गई? मत छुए मुझे इन हाथों से जो किसी बेगुनाह के खून से भरे हैं। ये उम्मीद नहीं थी मुझे आपसे। मैं आज तक एक मासूम बच्ची को अपने सीने से लगाए बैठी, दुनिया से लड़ी हूं, और आप एक प्रेग्नेंट औरत को इस तरह, आप अच्छी तरह जानते थे पहचानते थे, इस तरह रोड पे, रोड पे मरता हुआ छोड़ के, जरा भी शर्म नहीं है आपको? क्यों कामिल, क्यों इतने बेरहम और पत्थर दिल कैसे हो सकते हैं आप? जरा भी इंसानियत नहीं है आप में? एक बार भी नहीं सोचा कि आपकी वजह से उसकी जिंदगी बच सकती थी? लेकिन नहीं, आपने तो एक मासूम बच्चे और उसकी मां को मार डाला और भाग गए वहां से। वो औरत और उसका बच्चा कैसे तड़प तड़प कर मरोगे, सोच सोच के मेरी रूह कांप रही है। जुल्म किया आपने, जुल्म, और सिर्फ अपने साथ नहीं, हम सब के साथ। सबका सर शर्म से झुका दिया आप। आज तक आपने जो किया मैंने उसके लिए माफ किया, इसलिए कि मैं आपकी बीवी हूं। लेकिन ये मत भूले कि उससे पहले मैं एक इंसान भी हूं, और मेरे सर का ताज इस तरह किसी की जिंदगी को रोन दे, मैं ये हरगिज माफ नहीं करूंगी। रोहान, तुम कहां रह गए थे? मैं तब से तुम्हें फोन कर रही हूं, फोन ही नहीं उठा रहा। क्या बात है, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ? कोई परेशानी है? मैं कुछ पूछ रही हूं तुमसे। क्या हुआ रोहान? सभा की मौत का समय था, काबिल अहमद। क्या कह रहे हो तुम? सभा की मौत का जिम्मेदार कामिल अहमद।
उसकी गाड़ी से हुआ था मेरा एक्सीडेंट। बेरहम शख्स चाहता तो मेरी सभा को बचा सकता था मां, लेकिन उस जालिम शख्स की वजह से मेरी बीवी, मेरी बेटी दोनों मर गई। तो मैंने क्या बिगाड़ा था उसका मामा जो उसने मेरे साथ ये किया? मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी उसने। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा मामा। मैंने जो कुछ किया है उसके लिए पूरी दुनिया तो क्या, तुम्हारा भी मुझे बहुत नदामत है। मुझे जिंदगी से मेरा सर झुका हुआ है, लेकिन प्लीज तुम मेरा तो यकीन करो, ये सब कुछ मैंने जान के नहीं किया। और अगर तुम भी मुझे मुजरिम समझती हो तो मेरी जिंदगी तो आज ही खत्म हो गई। बोलो तुम भी मुजरिम समझती हो मुझे, कातिल समझती हो मुझे? मेरे समझने और समझने से क्या होता? दुनिया की निगाहों में आप एक मुजरिम हैं। यकीन नहीं आता मुझे, जिस शख्स से मैंने इतनी मोहब्बत की, दुनिया का हर कड़वा घूट लिया, वो इस तरह किसी को सड़क पे मरता देखकर उसकी उसका दिल नहीं पिघला? खुदा के लिए ऐसा मत कहो, मैं खूनी नहीं हूं, नहीं किया मैंने ये सब कुछ। खुदा की कसम तुम जो कहोगे मैं कर गुजरूंगा, लेकिन कम से कम मेरी बेगुनाही का यकीन तो करो। मैं जो कहूंगी करेंगे आप? अगर तुम कहोगे तो इसी वक्त जान कुर्बान कर दूंगा तुम पे। जिंदगी नहीं चाहिए आपकी, मुझे सब और उसके बच्चे के लिए इंसाफ चाहिए, वही इंसाफ जो रोहान यहाँ लेने के लिए आया था, लेकिन मेरी नेकी उसके आड़े आ गई। इंसाफ का तकाजा यही है कि आप खुद को कानून के हवाले कर दें, और कानून जो सजा देगा आपको आप उसे कबूल करेंगे। इसी तरह ये बदनुमा दाग आपके वजूद से मिट सकता है। कामिल एक बार बुजदिल बन के सच्चाई से चुप, इस बार नहीं पाऊंगा। अगर तुम चाहती हो तो यही सही, खुद कल चल के मुझे कानून के हवाले कर दो। लेकिन तुमसे एक रिक्वेस्ट है, कानून मुझे जो भी सजा दे, मैं अगर मर भी जाऊं तो तुम मुझे मुजरिम भी समझोगे। जब वो आपसे ये सवाल करेगा कि उसकी बेटी कहाँ है, तो फिर आप क्या जवाब देंगे? उसकी बेटी उसके लिए मर चुकी है, उसे मरे ही रहना।
क्योंकि गड़े में देख करने से कुछ हाथ नहीं आने वाला। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं अंजुम, कामिल ने जो किया ठीक नहीं किया। इसमें कोई दो राय नहीं। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि भाई इतने खुदगर्ज कैसे हो सकते। उनके किए की वजह से मुझे भी बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। मां, तुम्हें शर्मिंदा होने की क्या जरूरत है? कामिल ने जो किया उसकी कीमत कल नहीं तो आज तो चुकानी थी ना। मैं ये सिर्फ इसलिए नहीं कह रही कि रोहान मेरा भाई है, बल्कि इसलिए कह रही हूँ कि इंसाफ हर एक का हक है। क्या पता भाभी की वजह से रोहान भाई को माफ कर दे। इम्पॉसिबल, रोहान बहुत जिद्दी है। वो जिस बात पर अड़ जाता है ना वो करके रहता है। अंजुम, अगर मैं कहूं कि मैंने तुमसे कोई बात छुपाई है तो तुम मुझसे खफा तो नहीं होगे ना? छुपाया? क्या छुपाया माँ? सिर्फ तुमसे नहीं, रोहान से भी। और वो राज ये है कि सभा के एक्सीडेंट के बाद उसके यहाँ मुर्दा नहीं जिंदा बच्ची पैदा हुई थी। What? क्या तुम सच कह रही हो? रोहान की बेटी जिंदा है? हाँ अंजुम, मामा ने बेटे की चाह में पोती को खुद से दूर कर दिया। न जाने वो बच्ची आज कहाँ होगी, किस हाल में होगी, हम में से कोई भी नहीं जानता। गॉड, कोई माँ इतनी खुद घर से भी हो सकती है कि अपने खून को इस तरह से बेयार और मददगार छोड़ के जा सकती है? इट्स अनबिलीवेबल। पहले कामिल भाई और अब लोग अपने मकसद में किसी भी हद तक जा सकते हैं अंजुम, तब उन्हें किसी रिश्ते किसी कानून का एहतराम नहीं होता। और अम्मी ने भी कामिल भाई की गलती पे इतना अरसा पर्दा डाल के रखा, हमें भिनक तक नहीं पड़ने थी। वैसे तुम्हें मालूम है कि वो बच्ची कहाँ है और क्या रोहान जानता है बात? नहीं, अनाई कभी वो जान पाएगा। अंजू, मुझे तो ये सोच सोच कर डर लग रहा है कि जिस वक्त उस पर ये राज आया होगा उस वक्त वो किस तरह रिएक्ट करेगा। रोहन, आप यहाँ क्या कर रही हैं? कम। तुम्हें देखने आई थी ना? तो मुझे बुला लिया होता ना मामा। डॉक्टर्स ने आपको चलने फिरने से मना किया, आपको रेस्ट करना चाहिए। मैं रेस्ट कर रही थी लेकिन मेमुना ने मुझे बताया कि तुमने नाश्ता नहीं किया। कल रात का खाना भी नहीं खाया तुमने, क्यों कर रहा है सब कुछ? इसलिए वापस आए थे कि मैं तुम्हें जालत में देखकर कुड़ती रहूं। ये जानना चाहते थे ना कि सभा की मौत के जिम्मेदार कौन है। पता लगा लिया तुमने, अब बस कर दो क्योंकि मैं तुम्हें दोबारा इस हालत में नहीं देख सकती। I'm fine. बस कल वो उस जख्म की याद ताजा हुई थी इसलिए। बट आई एम ओके, अब आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। आप बैठे, मैं कुछ खाने को लेकर आती हूँ। मेडिसिन भी तो खानी है ना मामा। यू सिट हियर, आई विल गेट समथिंग। ऑलराइट।
माफ करना माँ, तुम्हारे भाई ने जो किया ना कल अच्छा नहीं किया। अरे आंधी की तरह आया और हमारी खुशियों को आग लगा कर चला गया। ऐसे लग रहा था कामिल को जान से ही मार देगा। मम्मी आपको अपने बेटे की तो फिक्र है, लेकिन रूहान की बीवी और उसकी बच्ची, उसकी तकलीफ के बारे में भी तो सोचें। और इसमें सबसे बड़ी गलती आपकी है। जब आपको भाई सब कुछ बता चुके थे तो आपने सबसे क्यों छुपाया? अरे तो क्या करती, पहले रूमी की वजह से, क्रिकेट की वजह से बदनामियां हो रही थी, तब ये भी ढंडोरा पीट देती कि कामिल की वजह से रूहान की बीवी और बच्ची मर गई। और ये दुनिया उसे कातिल कहती, कातिल। और देखा नहीं था रूहान कल कितने गुस्से में था, तब उसे पता चलता तो खुदा न खास्ता कामिल को फांसी भी चढ़ा सकता था। अरे सारे सबूतों पर पर्दा डाल रखा था हमने, लेकिन पता नहीं उस मुए पुलिस वाले ने कैसे सारे सबूत इकट्ठे कर लिए। आंटी आप दुआ करें कि रूहान इस मामले को जल्द से जल्द खत्म कर दे, वरना कामिल भाई इस मामले में अब भी फंस सकते हैं। अरे तो तुम सिफारिश करो ना, कामिल माफी मांग तो रहा है, उसे माफ कर दे। कहो तो मैं जीनत से बात करूं। नहीं नहीं आंटी प्लीज, मामा को कॉल मत कीजिएगा, उनकी तबीयत वैसे ही ठीक नहीं है। मैं जाऊंगी आज रूहान के पास, खुद बात करूंगी उससे। अम्मी रूहान भूले या ना भूले, लेकिन आपको क्या लगता है भाभी कभी भी अपने शौहर को माफ कर पाएंगी उस सब के बाद जो भी उन्होंने रूहान के साथ किया? अरे तुम्हें अपनी भाभी की पड़ी है, तुम्हें ये एहसास नहीं कि भाई के साथ क्या कुछ होने वाला है। अंजुम हम ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं। ओके खुदा हाफिज। मुझे नहीं पीना। किस्मत ही खराब है शायद, वरना खुशियां यूं करीब आके हमसे दूर ना जाती। जिंदगी सुख या दुख से नहीं, इंसान के फैसलों से बनती है। ना आप उस लम्हे उनकी मदद के बगैर जाने का फैसला करते और ना ही हमारी जिंदगी आज इस तरह से में आती। कितनी बार कहूं सभा को गाड़ी से निकालने की कोशिश की थी मैंने, फिर एक खौफ तारी हो गया। जानती हो क्या सोच के भागा था मैं वहां से, सिर्फ तुम्हारे बारे में सोच के रूमी। तुम्हारी जिंदगी मुझसे जुड़ी थी और मैं तुम्हारी जिंदगी पर बात नहीं करना चाहता था। अपना कैरियर, अपना सब कुछ कुर्बान किया है मेरे लिए। मैं तुम्हारी कुर्बानी या तुम्हारी मोहब्बत को कैसे राय बजाने देता रहूंगी? इसलिए अगर मुझे कोई खौफ था उस वक्त, तो तुम्हारा सिर्फ हाथ छोड़ने का खौफ। लेकिन फिर वही हुआ, इंसान उम्र भर जिन खतरात से भागता है ना, कुदरत उन्हीं खतरात से एक ना एक दिन जरूर सामना करवा देती है। चाहे हाथ छूटे या साथ, मैं तैयार हूं, तुम बाहर आ जाना। कामिल ऑफिस नहीं जा रहे क्या? नहीं। बेटा जो हो गया उसे भूल जाओ, वो तुम्हारी गलती थी, गुनाह नहीं था। मैं रूहान से जाकर खुद बात करूंगी। नहीं अम्मी, मैं खुद को कानून के हवाले करने जा रहा हूँ। क्या, ये क्या कह रहे हो तुम? वही जो सुना है आपने। मैं मानता हूँ बहुत ही बड़ी गलती हो गई है मुझसे, मैं खुद को सजा के अहल भी समझता हूं। अब रूहान मुझे जो भी सजा दे मुझे कबूल होगी। तुम यकीनन पागल हो गए, किसी ने पढ़कर कुछ फूंक दिया है। अरे दिमाग खराब है क्या तुम्हारा,
सारी उम्र के लिए जेल में डाल देगा वो तुम्हें। अरे इतनी ईमानदारी भी अच्छी नहीं होती, होश के नाकल लो, जो हो गया सो भूल जाओ। मैं रोहन से खुद बात करूंगी। नहीं अम्मी, मेरा जमीर ये गवारा नहीं करता कि मैं इस जुर्म के सहारे सारी जिंदगी काट दूं। और रोहन, रोहन अपनी बच्ची और अपनी बीवी के लिए तड़प तड़प के जिंदगी काटे। मरने के बाद सुबह नजर आती थी ना मुझे, हर तरफ हर जगह, और आपने ये तावीज दिया था मुझे रद्दे बला का, इसका कोई फायदा नहीं हुआ। अब भी मुझे नजर आती है हर तरफ हर जगह, जानते हैं क्यों? क्योंकि जो जुर्म मैंने किया ना, उसकी सजा भुगते बगैर ये अजाब टलेगा नहीं मेरी जिंदगी से। रोहान ने तो अपनी दोस्ती की खातिर मुझे कुछ नहीं कहा, लेकिन अब ये मेरा फर्ज बनता है कि अपने जुर्म समेत उसके सामने पेश हो जाऊं। मुझे जो भी सजा दे कबूल होगी मुझे। तुम यकीनन पागल हो गए हो, कोई अकल दो उसे, समझाओ इसे, कोई अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मारता। तुम्हारे जेल जाने के बाद ये घर तबाह हो जाएगा, हम सब का क्या होगा ये तो सोचो। अंशु सब संभाल लेगा, आप फिक्र न करें। अरे कैसे फिक्र न करूं, कैसी बातें कर रहे हो रूमीसा? तुम बुत बनी कड़ी क्या देख रही हो? फांसी चढ़ने जा रहा है तुम्हारा शौहर, रोको इसे। नहीं कामिल, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। तुम कहीं नहीं जाओगे, मैं रोहान से बात करूंगी, वो तुम्हें माफ कर देगा। यही तो मसला है अम्मी हमारा, हम जुर्म करके क्यों माफी के तलबगार हो जाते हैं? अम्मी हमेशा खुद के लिए माफी और दूसरों को सजा का हकदार क्यों समझते हैं? अगर गलती होती है तो तस्लीम क्यों नहीं करते? हमेशा क्यों आंखें बंद करके अपने जुर्म को छुपाते हैं अम्मी? अरे से क्या हो गया है, दिमाग उलट गया है तुम्हारा, सदमे से बावले हो गए हो रुमीसा। खुदा के वास्ते इसे समझाओ, समझाओ इसे, रोक लो इसे। इसके जाने से न सिर्फ ये तबाह हो जाएगा बल्कि तुम भी तबाह हो जाओगी। हानिया का क्या होगा सोचो, सोचो। देखो देखो रुमीसा, तुम चाहते हो मैं हानिया को अपना लूं, इसे ये कदम उठाने से रोक दो। मैं वादा करती हूँ, मैं हानिया को दिल से अपना लूंगी, उसे गोदों में खिलाऊंगी, उसे सीने से लगा के रखूंगी। खुदा के लिए मेरे बेटे को बचा लो, इसे रोको। अरे फांसी चढ़ा देगा रूहान इसे, रोको। जिंदगी में पहली बार अपनी गलती सुधारने जा रहा हूँ, मेरा साथ नहीं रहूंगा। नहीं कामिल, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाऊं। कामिल कामिल मेरी बात सुनो, कामिल कामिल, ये तुम क्या करने जा रहे हो कामिल? तुम मेमोरी से कह रहे थे खुद क्यों लाए? आज मैं आपको अपने हाथों से नाश्ता करवाऊंगा, चलो जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लें, फिर मैंने कहीं जाना। कहाँ जाना? वो डॉक्टर से मीटिंग है आपकी बीमारी के हवाले से, and I hope कि everything is fine, कोई रास्ता निकला। औलाद की बेहतरी के लिए करती है। मैं
तुम्हें कुछ बताना चाह रही हूँ। नहीं मामा, अभी कुछ मत बताइए, अभी बस आप नाश्ता करें फिर मैं चलूँ। Come on, please.